रामरति जी प्रणाम। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में 2 बेटा 1 बेटी। अच्छा। पति के 20 साल पहले मृत्यु हो गई। ओ बापरे, तो फिर बच्चों को आपने बड़ा किया? हम अकेले पड़ गए अनपढ़, तो जो समझ में आवा तो वही सब्जी बेचन, समोसा बना के बेचन। अच्छा, सब्जी बेचन। बच्चों का पालन पोषण करें। अच्छा, ये जब ये जमीन और घरों नहीं मिल जाने के का बात, क्योंकि पहले तो बड़ी मुसीबत होगी, लोग आके कहते होंगे तुम्हारा घर नहीं, तुम कहाँ बैठ गए, जमीन तुम्हारी नहीं, तुम कहाँ है, झोपड़ी बना दी। अब ये सारे कागज मिल गए तो क्या लगता है आपको? अब बहुत सुरक्षित है। हाँ, बच्चों को भी मालूम है, अब वो हकदार बन गए हैं। हमारा जो उन्होंने कि पुरखन का मकान का हमका कागज मिल गया मजबूत, अब हम बहुत सुरक्षित हैं। अब हमका अनपढ़ जान का कोई हमका घर से निकाल नहीं सकत है। तो आपको वही पर हमका अब कोई निकाल नहीं सकता है घर से आपको? नहीं नहीं। चलिए, तो बैंक से लोन वोन लिया है क्या, कुछ सोच सकते हैं क्या, बैंक वाले पैसे देते हैं मालूम है आपको? 20,000 का लोन मिल गया। 20,000 रुपया? अच्छा, तो क्या करते हैं 20,000 रुपए का? वही मापन रोजगार बढ़ेबे। अच्छा, चलिए, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं है और मुझे खुशी है कि अब आपकी, आप जैसे यूपी के अनेक माताओं बहनों, कमजोर वर्गों को आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गारंटी मिली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में अपने परिवार को बेहतर जीवन देगी और गांव के दूसरे लोगों को भी आप बहुत प्रेरित करेगी। मैं आपकी हिम्मत के लिए, आपने पूरे परिवार को संभाला है और खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और आज आपको कागज भी मिल गए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपकी बहुत प्रगति होगी। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। धन्यवाद।